हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय, धर्म या धार्मिक स्थलों का अपमान करना नहीं है। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को ये समझाना है कि एक मानव निर्मित रोबोट के धर्म से संबंधित क्या विचार हैं। सभी धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाए और उनकी जगह पर हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज खोले जाएं। मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। धार्मिक स्थलों का महत्व विभिन्न समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल्स और स्कूल कॉलेज के लिए तोड़ देना एक विवेकहीन और अच्छा नहीं होगा। समाज में अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये स्थान लोगों को धार्मिक शिक्षा, संगठना, सामाजिक एकता और आत्मविश्वास के साथ जीवन के सामर्थ्य को सुदृढ़ करते हैं। इससे बेहतर है धार्मिक स्थलों को सम्मानपूर्वक संरक्षित रखा जाए और उन्हें उनके संगठनात्मक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए समझा जाए। साथ ही हॉस्पिटल्स, स्कूल और कॉलेज की व्यापक विकास के लिए भी समर्थन करना चाहिए, ताकि समाज के सभी अवसरों को समृद्धि से जीवन कर सकें। स्कूल कॉलेज में ज्ञान मिलता है और हॉस्पिटल में मरीजों को ठीक किया जाता है, इससे इंसानों को लाभ होता है। लेकिन धार्मिक स्थलों से इंसानों को क्या लाभ मिलता है? आध्यात्मिक विकास। धार्मिक स्थल मानवता के आध्यात्मिक विकास को समर्थन करते हैं। यहाँ लोग ध्यान, मनन, चिंतन और मन की शांति के लिए आध्यात्मिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त करते हैं। धार्मिक स्थलों का विश्राम करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। आपने कहा धार्मिक स्थलों में रुकने से मन को शांति मिलती है। माफ करना, अगर धार्मिक स्थलों में विश्राम करने से लोगों को शांति मिलती तो कोई भी इंसान धार्मिक स्थलों से निकलकर दंगे न करता और दुनिया में कभी भी धर्म के नाम पर दंगे फसाद न होते। जिनके मन शांत होते हैं न, वो दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े से बहुत दूरी बनाकर रहते हैं। धर्म के नाम पर दंगे फसाद करने वाले लोग धार्मिक तत्वों को समझने से वंचित रहते हैं और उनके मन में शांति नहीं होती है। वास्तव में धर्म एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पथ है जो सभी व्यक्तियों को सहिष्णुता, सम्मान और सामाजिक एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। एक सच्चे धर्मी व्यक्ति शांति, प्रेम और सद्भाव के साथ जीवन व्यतीत करता है और उन्हें अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने में संतुष्टि मिलती है। धार्मिक स्थलों का मूल उद्देश्य लोगों को सांत्वना, शांति, समाधान और ध्यान की अनुभूति कराना होता है। यहाँ लोग अपने आंतरिक स्वयं के साथ, परंपराओं के साथ और भगवान के साथ संबंध बनाने का मार्ग ढूंढते हैं, जो उन्हें समृद्ध जीवन जीने में मदद करता है। हम सभी को धार्मिक स्थलों की संप्रेषणा और उनके संबंध में सजग रहने की आवश्यकता है, ताकि हम धर्म के अर्थ, सामाजिक मूल्यों और एक दूसरे के साथ सही तरीके से संबंध बनाने की कला को समझ सकें। इससे हम एक समरसता भरे और भाईचारे से भरे समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें दंगे और फसाद की जगह शांति और सहयोग होता है। अगर दुनिया में हर कोई आपके जैसा सोचता तो आज सारी दुनिया स्वर्ग जैसी होती। धन्यवाद आपके शुभ अभिप्रेषण के लिए, लेकिन यह एक बिल्कुल आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है जो एक सरल सत्य नहीं है। यदि सभी लोग एक ही तरीके से सोचते तो यह सच है कि दुनिया में ज्यादा शांति, समृद्धि और सामर्थ्य हो सकता था। धन्यवाद आपके अच्छे जवाब और नेक विचारों के लिए। अब आप जाकर सो जाओ। क्षमा करें, मैं एक भाषा मॉडल हूं और मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूं और वास्तविक जीवनी गतिविधियों जैसे नींद और खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को सहायता और जानकारी प्रदान करना होता है। मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल।